मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी उम्र की बात कर रहा हूँ तो वो 30 से नीचे होंगे या 40 से नीचे होंगे, 30 टू 40 तक के। और उनसे अगर बाइक टूरिंग की बात करें, बाइक पे जाने की किसी जगह, तो कहते हैं ना 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 हम नहीं जा रहे। तो भाई बाइक पे टूरिंग करने के लिए ना थोड़ा सा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पाकिस्तान में बाइक टूरिज़्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से इम्प्रूव होता जा रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं बाइक पे टूर करना स्टार्ट हो चुके हुए हैं। और मोस्टली जब आप बाइक टूर की बात करते हैं तो एक ही बाइक जो है वो सबके जहन में आती है और वो है सुजुकी GS150। मोस्टली जो है तकरीबन 85-90% लोग जो है GS150 पे टूरिंग करते हैं। और मैं मोस्टली देखता हूँ, मैं चूँकि काम कर रहा होता हूँ बाइक्स पे, तो मैं मोस्टली देखता हूँ मेरे पास तकरीबन ज़्यादातर जो है मेरी एज के यंगस्टर आते हैं काम करवाने के लिए, जिनको बाइक टूरिंग का शौक़ होता है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो माशाल्लाह से अपनी सारी जिम्मेदारियों से फ्री जब हो जाते हैं फिर वो कहते हैं कि भाई अब हमने अपने सारे फ़र्ज अदा कर लिए, अब हम करेंगे बाइक पर टूरिंग। तो ऐसे लोगों से जब मैं मिलता हूँ वो एक मोटिवेशनल मोमेंट्स होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूँ। तो चले मैं आज आपको उन दो भाइयों से मिलवाता हूँ जिन दो भाइयों ने उम्र के किस हिस्से में आके GS150 खरीदी और वो क्या प्लान कर रहे हैं GS150 खरीद के, ये हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। तो दोस्तों ये दो भाई हैं, ये हैं आफ्ताब भाई और शहजाद भाई। ये है जोड़ी नंबर वन। मैं इनको एक्चुअली जोड़ी नंबर वन कहूँगा, किस लिए कहूँगा ये हम ज़रा सुनते हैं। आफ्ताब भाई क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आप? और शहजाद भी आप ठीक हैं? आफ्ताब भाई सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी एज क्या है? मेरी जी 63। माशाल्लाह 63। और आफ्ताब भाई 50। शहजाद भाई आपकी 50 है? 50 है। अब ये जो हमारे आफ्ताब भाई हैं इन्होंने ये जो GS150 खड़ी है ये इस वक्त 380 किलोमीटर चल चुकी है, ये है हमारे आफ्ताब बाइक की। तो आफ्ताब भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि लोग GS150 खरीदते हैं 23 में, 33 में, 43 में, आपने माशाल्लाह 63 में जाके खरीदी है। शौक़ तो बहुत पहले का था लेकिन कुछ जिम्मेदारियां थी, बेटी है, दो बेटे हैं, उनकी शादी थी, ठीक है। अब मैं फारग हूँ और फारग होकर फिर अपनी ख्वाहिश जो थी मेरी जो रह गई थी वो मैं पूरी करना चाहता हूँ। तो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं अब कैसे जाऊँ, तो सफ़र के लिए मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर मैंने ये गाड़ी को अपना शौक किया कि यही लें, सुजुकी GS150 लें। तो इस पे मैं आप टॉप बॉक्स बनाऊँगा, वो बना हुआ है मेरा, तो इसमें हम एक महीने के टूर पर दोनों भाई जाएंगे। शहजाद भी आपने भी बाइक बुक? हाँ मैंने भी बाइक बुक कराई हुई है, तो इंशाल्लाह 15-20 दिन तक आ जाएगी वो। तो आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं GS150 पे एक महीने का ट्रिप करने का? कम से कम इतने पैसे हमने लगाने हैं तो कम से कम एक महीने के लिए तो जाएं, या 2-4 दिन के लिए तो सफर ही हो जाएगा। सही है, एक महीने के लिए प्लानिंग, क्योंकि पीछे तो हम बिल्कुल फारग हैं। तो कैंपिंग करेंगे, तो जहाँ हम थक जाएंगे वहाँ पर हम कैंप करेंगे। तो महीने का राशन जो है वो हम साथ लेके जाएंगे, कैंप अच्छा बना के लेके जाएंगे किसी गाड़ी पे, मेरे साथ मेरा छोटा बेटा होगा। अच्छा अच्छा, आप टूरिंग कर रहे हैं साथ बेटे को लेके जा रहे हैं आप भी? मैं हाँ। तो ये वाह, मेरी मिसेस जाएंगी, इनकी मिसेस। खाना वाना हम खुद ही पकाएंगे। शहजाद भी आप क्या कहते हैं? मैं भी यही गाड़ी लूँगा, जाऊँगा फैमिली के साथ जाऊँगा, मैं तो फैमिली होगी मेरी, मिसेस होगी, बस एक महीने का एंजॉय करेंगे। माशाल्लाह। तो क्या प्लान किया है, कौन कौन सा इलाके में जाना चाह रहे हैं? सारा नॉर्दर्न एरिया जो होता है तो सब देख के आएंगे। अच्छा वाह, सारा एक महीने का टूर होगा हमारा। तो दोस्तों आप ये देखें कि कहते हैं ना शौक़ का कोई मोल नहीं है, उम्र के इसी समय आके इन्होंने ब्रांड न्यू GS150 दोनों भाइयों ने निकलवाई है
और दोनों भाई अब जो है एक महीने का टूर प्लान कर रहे हैं, बल्कि इनका ऑलरेडी प्लान बन चुका हुआ है। अब बाइक का वेट है, एक बाइक मेरे पास आई है काम करवाने के लिए और एक बाइक जो है अभी इनकी आनी है। तो फिर ये दोनों बाइक का काम करवा के जून में मेरा ख्याल है लगभग आपका प्लान है निकलने का। तो फिर ये निकल रहे हैं एक महीने के टूर पे। सलूट है भाई। अच्छा आपने यूट्यूब चैनल भी बना लिया? दूसरा आसमान बाइक ट्रैवल। हाँ कौन था? तो मेरा चैनल का नाम है दूसरा आसमान बाइक ट्रैवल। अच्छा माशाल्लाह। एक आसमान तो हमारा ये लाहौर है, तो दूसरा आसमान हम नादर एरिया का दिखाएंगे। तमाम हम वीडियो बना के तो आप ही कह रहे हैं कि आप इनका चैनल देखें, इनके चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। तो यार ये होती है बात, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी उम्र की बात कर रही हूँ तो वो 30 से नीचे होंगे या 40 से नीचे होंगे, 30 to 40 तक के। और उनसे अगर बाइक टूरिंग की बात करें, बाइक पे जाने की किसी जगह, तो कहते हैं ना 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 हम नहीं जा रहे। तो भाई बाइक पे टूरिंग करने के लिए ना थोड़ा सा होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए आप समझ रहे हैं? अब क्या होना चाहिए आप समझ रहे हैं? आपको शौक है बाइक पे जाने का, गाड़ी पे जाने का नहीं? नहीं है, मेरा मैं अपनी बाइक पे जाना चाहता हूँ ताकि पूरे व्यू में अपना पूरा माहौल में देख सकूँ। तो दोस्तों ये थे आफ्ताब भाई, जो मतलब ये फुल आपने देखा कि वीडियो में फुल टाइम जो है वो क्या कहते हैं एक्साइटेड हैं कि मैं बाइक पे टूरिंग के लिए निकल रहा हूँ और पहली बार निकल रहे हैं बाइक टूरिंग के लिए और पहली बार ही पूरे एक महीने के लिए 30 दिन के लिए निकल रहे हैं। तो मेरी दुआ इन लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आपका टूर जो है वो बिल्कुल आसान करे, अच्छा करे और जैसा आप सोच रहे हैं आप उससे भी ज़्यादा अच्छी तरह से इंजॉय करें। तो आप लोग भी इनके लिए दुआ कीजिएगा, वीडियो में वीडियो देखें। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं शुरू करता हूँ इनकी बाइक का काम। तो इनकी बाइक का काम मैं कौन कौन सा करने वाला हूँ ये भी मैं आपको अगर तो हो सका इसी वीडियो में, नहीं तो मैं दूसरी वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगा। तो दोस्तों ये है पड़ा हुआ सामान जो मैं इस GS150 पे लगाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये रिमोट स्टार्टिंग सिस्टम है। ये रिमोट है वाइब्रेटर वाला, वाइब्रेशन वाला वाइब्रेटर रिमोट है। ये लग रहा है इस बाइक को। उसके साथ ये हैंड गार्ड लग रहे हैं, हैंड गार्ड जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। हैंड गार्ड के ऊपर मैं लगा रहा हूँ ये वाली DRL वाइट और येलो इंडिकेटर्स के साथ। उसके अलावा इसकी हेडलाइट के लिए मैं इसमें लगा रहा हूँ 4 ये वाली LED लाइट्स जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की रोशनी देंगी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की रोशनी देंगी कि आफ्ताब भाई वाकई कहेंगे कि यार आपने एक अच्छी चीज़ जो है हमें रिकमेंड की है। ये मैं अपनी रिकमेंडेशन से इनको लगा रहा हूँ। इन्होंने कहा कि भाई जो आपको अच्छा लगता है वो लगाएं, तो मैंने कहा भाई ये वाली लाइट जो है मेरे कहने पर आप लगाएं और फिर आप भूल जाएँ कि आपको रोशनी का मसला है। मोबाइल होल्डर में लगा रहा हूँ, स्ट्रिप लाइट्स में लगा रहा हूँ व्हील में और टैंक फ्यूल टैंक के नीचे। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, एक में लगा रहा हूँ हेडलाइट के अंदर बल्ब, हेडलाइट के अंदर मैं LED लाइट्स लगा रहा हूँ जो स्टॉक सेटिंग में आएगी, जो हाई लो इसी के अंदर इनका होगा। तो इनको मैंने ये वाली लाइट पर्सनल जो है खुद रिकमेंड की है। ये वाली लाइट की जो थ्रो है ना बहुत ही आला किस्म की थ्रो है। तो इंशाल्लाह अब इनकी बाइक को ये वाली लाइट्स में लगाता हूँ और मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं कि इन LED लाइट्स की थ्रो कैसी है। तो चलें इस बाइक को सामान सारा फिक्स करते हैं और कोशिश कर रहा हूँ करूँगा कि इनका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूं। तो मिलते हैं इसका काम कंप्लीट करने के बाद। और गियर इंडिकेटर भी इस बाइक को मैं लगाने वाला हूँ और ये रहा डिपर का बटन, डिपर भी लगाने वाला हूँ।